इंडिया की सबसे स्लो ग्रोइंग स्टेट है बिहार, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस स्टेट में सही सड़कें नहीं है, एजुकेशन नहीं है, 52% लोग अनएजुकेटेड हैं, उसके बावजूद भी इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना पिछड़ा हुआ बिहार होने के बावजूद भी, क्यों बिहार इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेट है? हाय, मेरा नाम है फयाज खान और जिस स्टेट के कॉलेज यूनिवर्सिटी अंडरफंडेड है, 33% पॉपुलेशन उस स्टेट की, उस राज्य की जो 33% पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है, जिस देश की जो एनुअल पर कैपिटल है वो 41,000 है, बल्कि नेशनल एनुअल इनकम जो है वो 94,000 रुपीज है। भारत के 69 सबसे पिछड़े हुए जिलों में से 26 जिले इसी राज्य से आते हैं, जहां किसान अपनी जमीनों को बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो है बिहार। आज बिहार के पास 72,000 स्कूल्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार में ही है, और ये काफी था इनको एजुकेशन हब बनाने का इंडिया का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां पे स्टेट्स लिबरलाइजेशन के टाइम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फिक्र कर रही थी, उस वक्त बिहार में कास्ट को लेके लड़ाइयां चल रही थी। इनकी इनस्टेबिलिटी का रीजन तो यहीं से पता चलता है कि 40 इनकी गवर्नमेंट बदली है, 23 इनके मुख्यमंत्री बदले हैं, टीचर्स का एब्सेंस है बिहार में, और ये परेशानी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब जो वहां के लोग हैं, वहां के जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, भोपाल, ऐसी बड़ी सिटीज में भेजते हैं पढ़ने के लिए। बिहार भारत का 12th लार्जेस्ट स्टेट है, जहां से 40 MPs आते हैं, जहां से लार्ज नंबर में सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, इससे इनका पॉलिटिकल टेस्ट पता चलता है। बिहारीज इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बैकबोन है, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं SP और DM जो है वो बिहार को बिलोंग करते हैं। लगभग 5,500 IAS ऑफिसर हैं इंडिया में और 450 सिर्फ बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट स्टेट है जो IPS IAS प्रोड्यूस कर रहा है, UP नंबर 1 पे। खैर, पालीगांव 1979 में पालीगांव ने एक ऐसा बिहारी भी हमको दिया जिसने आगे जाके हिस्ट्री क्रिएट करी। पालीगांव के दिनेश्वर शर्मा जो 1979 में केरल कैडर ऑफिसर बने, लेटर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो पुलिस सर्विसेज की हाईएस्ट रैंक्ड होती है वो बने, ये एक बिहारी थे, दिनेश्वर शर्मा। पटवाटोली एक बहुत छोटा गांव है और वहां के बच्चों का सेकंड होम ही IIT कहा जाता है। हर साल यहां से 10 बच्चे IIT को जाते हैं, और यही नहीं, पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार जैसे सच्चे जर्नलिस्ट भी इस देश को बिहार ने ही दिए हैं। कुछ सालों पहले जो मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था बिहारियों का वो था एग्रीकल्चर, लेकिन लेट इनकम जनरेट होती थी इससे, और अगर मौसम खराब है तो आपका भारी नुकसान भी हुआ करता था, इसलिए जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जितने भी किसान थे, जितने भी लोग थे जो कृषि से जुड़े थे, वो नहीं चाहते थे कि यही एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम हो जो हमारे बच्चे भी इसी पे डिपेंड हो। और क्योंकि बिहार में प्राइवेट कंपनीज थी नहीं, पहले की अगर बात करें हम लोग तो कुछ शुगर मिल्स थी, PSUs थे, लेकिन वो भी बाद में झारखंड के पास चले गए। अर्ली 1980s में सरकारी नौकरी को एकमात्र तरीका बताया जाता था पैसा कमाने का, बोथ लीगली एंड विद करप्शन, और इसलिए जो बिहारी माइंडसेट था वो इस एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ जहां पे लॉ की कमी थी, जहां पे करप्शन था, जहां पे इनस्टेबिलिटी थी, और इसकी वजह से उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी जहां पे उन्हें स्टेबिलिटी मिलती, पावर मिलती और पैसा मिलती, और सरकारी नौकरी वो चीज थी जो ये तीनों चीजें उनको प्रोवाइड कर रही थी। अब जब बिहार का जो इंडिविजुअल आदमी था वो ऐसे एटमॉस्फेयर में ग्रो कर रहा था जहां पे इनस्टेबिलिटी थी, लॉ की कमी थी, पैसा नहीं था, वहां पे लड़कियां भी ऐसे पावरफुल लोगों को दी जा रही थी बहुत सारे दहेज के साथ जिनके पास पावर, पैसा, स्टेबिलिटी थी, इसलिए हर इंसान को उस चीज ने अट्रैक्ट किया जिसमें स्टेबिलिटी भी थी, पावर भी था, पैसा भी था। ये और IAS IPS ऑफिसर में बनने के बाद आपके पास पावर आती है, स्टेबिलिटी आती है, और जब ये दोनों चीजें आती है तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आने लगता है। इसलिए जो बिहारी होता है उनकी जो पहली पसंद होती है वो गवर्नमेंट जॉब होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, पैसा तो है ही, और अगर आप बहुत ऊंची पोस्ट पे जाते हो IAS IPS IFS तो आपको मिलता है इसमें पावर। और क्योंकि माइंडसेट ही जॉब प्रेफरेंस डिसाइड करता है, इसलिए केरल का और पंजाब का हर आदमी एब्रॉड जाके जॉब करना चाहता है, तो वहीं गुजरात का जो हर आदमी है वो बिजनेस करना चाहता है। जिस एटमॉस्फेयर में आप ग्रो हो गए आपका माइंडसेट आपका जॉब प्रेफरेंस डिसाइड करेगा, तो वैसे ही ये जो चल रहा था बिहार में उनका जो एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर में वो ग्रो हो रहे थे, ये उनका माइंडसेट था जिसने उनका जॉब प्रेफरेंस डिसाइड किया। और इस वीडियो से एक बात समझ में आती है कि बिहार के पास ब्रेन्स के अलावा, दिमाग के अलावा हर चीज की शॉर्टेज है, इसीलिए जो उनके ब्रेन्स हैं वो बिहार को छोड़ के देश के हर कोने कोने में जाते हैं और वहां पे अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो बिहार में ब्रेन्स, दिमाग को छोड़ के हर चीज की शॉर्टेज है। तो अगर आप भी आज तक ये सोचते थे कि बिहार के लोग हर जगह हर स्टेट में क्यों दिखते हैं पढ़ने के लिए, तो अगर आपको इस वीडियो से आपका वो डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बिहारी हैं तो आप ये बताएं कॉमेंट में कि ये जो मेरा ओपिनियन था वो सही था या गलत था।